हे गाइस, वेलकम बैक। फिर से एक नया गैजेट और एक नई अनबॉक्सिंग। ठीक है, आज हम जिस स्मार्ट वॉच की बात करने वाले हैं वो है फायरबोल्ट एम्पायर। और चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट में हमको क्या क्या मिल जाता है। तो ये रही हमारे स्मार्ट वॉच का बॉक्स और यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देखिए साइड में, और इसकी जो प्राइसिंग है वो 16,999 लिखा है, बट आपको ये 3,000 में मिल जाएगी लॉन्च प्राइस में। बाकी पता नहीं इसकी प्राइस कब बढ़ जाए और कैसे हो, तो आप ग्रैब कर सकते हो ये डील। और रोटेटिंग का आपको क्राउन मिल जाता है इसमें, और रेजोल्यूशन आपको 410x502 का पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो डिस्प्ले इसकी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले 1.96 इंचेस की डिस्प्ले है, और जो कि एमोलेड डिस्प्ले है, और इसमें 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आती है ये। तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं इसको भी और देख लेते हैं कि क्या क्या हमको कंटेंट में मिल जाता है। तो ये रही हमारी वॉच, और आप देख सकते हो काफ़ी मतलब प्रीमियम बिल्ड के साथ है ये। ये जो सिल्वर वाली जो ब्लू और पट्टे के साथ एक्सेंट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और ये जो आपको सिलिकॉन का ये आपको मिल जाता है बेल्ट, काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम डिज़ाइन है, और कुछ भी टेक्सचर टाइप में बने हुए हैं आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। और ये देखिए क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, सॉफ्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको लॉन्ग टर्म अगर आप पहनते भी तो हैं। और ये जो बक्कल है इसमें फायरबोल्ट की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, ये आप देख सकते हो फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये मेटल का है तो वो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बैक साइड देखेंगे डेडिकेटेड सेंसर आपको मिल जाता है रेड एंड ग्रीन का, फायरबोल्ट की ब्रांडिंग, और यहाँ पर चार्जिंग जो आप लगाओगे चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। आप मेटालिक पूरी जिंक अलॉय के साथ आती है ये। ये देखिए पूरी जिंक अलॉय बॉडी है इसकी, पीछे के साइड जो फिनिशिंग है अच्छी मिल जाती है इसकी आपको, बट ये प्लास्टिक ही है, और बाकी ग्लास फिनिश के साथ मिल जाती है, काफ़ी ग्लॉसी टाइप में है तो अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, आप देख लो रोटेटिंग क्राउन है ये, और पुश बटन भी है ये, बाकी ये एक एक्शन बटन मिल जाते हैं जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इस प्राइस रेंज में दो दो एक्शन बटन मिल जाते हैं आपको एक तरह से। तो इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ फायरबोल्ट का, हम इसको निकाल लेते हैं और बात कर लेते हैं अब इसको हम ऑन करके। तो कुछ देर तक आप प्रेस करके रखेंगे, ये देखिए अगर बैटरी है इसमें तो आपका ये ऑन हो जाता है, फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आ जाती है, और जस्ट 2 से 3 सेकंड में आपको ये एक्शन मिल जाते हैं इसमें, तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है आपको इसमें, ये देखिए मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड है, इंग्लिश हम सेलेक्ट करते हैं, स्कैन टू बाइंड आपको इस कोड मिल जाता है जिसमें आप स्कैन करके एप्लीकेशन इसके डाउनलोड कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। हम स्किप कर देते हैं, बाद में करेंगे। 24 और फॉर्मेट या 12 और फॉर्मेट में आप इसके वॉच को सेट कर सकते हैं, हम 12 आवर में कर देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, और बाकी हम ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। ये देखिए ये हमारी डिस्प्ले 1.96 इंचेस की डिस्प्ले है, ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, ये मतलब एमोलेड कह सकते हो आप, एमोलेड डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज में आती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एनिमेटेड आपको वॉच फेसेस भी मिल जाते हैं, और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही है। 1.96 इंचेस में तो आपको डिस्प्ले मिल जाती है, तो काफ़ी बड़ी मिल जाती है ये। इस प्राइस रेंज में करीबन मैंने देखा है कि फायरबोल्ट हल्क और विजनरी वगैरह जो वॉचेस आती हैं उनमें 1.78 इंचेस का डिस्प्ले होता है, बट इसमें 1.96 इंचेस का है एमोलेड डिस्प्ले, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और AOD फीचर के साथ आता है, वो भी हम अभी चेक कर लेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे क्या होता है, मैं शो करके आपको दिखा दूंगा। और ये जो हमारा रोटेटिंग क्राउन है इसका एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ये देखिए तो जैसे ही आप रोटेट करोगे तो आपको वॉच फेसेस चेंज होते हुए दिख जाएंगे, ये देखिए। और ये जो एनिमेटेड वॉच फेसेस है काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ पे आप देखोगे कि वो स्टेप में ये शूज जो बना हुआ है वो भी एनिमेट हो रहा है, हार्ट बीट एनिमेट हो रही है, और यहाँ पे फ़ैन भी एनिमेट हो रहा है, बैटरी का आइकन आ रहा है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे ये बेजल्स देखने के लिए, ये वॉच फेस आप देख सकते हो कितने बेजल्स इसमें मिल जाते हैं आपको, तो बेजल सिमेट्रिकल हैं, बिल्कुल बराबर हैं चारों तरफ से, कोई चिन और जैसे वॉचेस में होता है कि चिन बड़ी होती है तो अच्छा नहीं लगता है, वो इसमें आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से सिमेट्रिकल हैं बेजल्स, तो वॉच में मतलब लुक बहुत ही बेहतरीन दे रहा है। और ये जो वॉच फेस है यार, ये देखिए
ये भी मतलब टच करने से ये चेंज हो रहा है इसका कलर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए 3 से 4 कलर में ये चेंज हो रहा है, ये वॉच फेस जो है। और एक दो वॉच फेसेस ऐसे मिल जाते हैं आपको, तो हम देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 वॉच फेसेस प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, बाकी आप ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, वो भी देख लेंगे। और चलते हैं हम इसके मेन्यू में, तो आपको मेन्यू स्टाइल एक ये मिल जाता है आपको नेम एंड आइकन के साथ। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट मेन्यू स्टाइल मिल जाएगा, तो दूसरा, और ये तीसरा मेन्यू स्टाइल आपको मिल जाता है वाइब्रेशन के साथ, ठीक है। और अगेन ये टाइल वाला आपको मेन्यू स्टाइल मिल जाता है, तो इसमें आपको टोटल 4 मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके मेन्यू में, देख लेते हैं कि क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको टेलीफोन का और कॉन्टैक्ट ऐड करने का है, कॉल रिकॉर्ड्स, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है आपको इसमें, डाटा आप देख सकते हो यहाँ से, वर्कआउट के सारे वो चीज़ें मिल जाती हैं कि कितने वर्कआउट आप कर सकते हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट वर्कआउट इसमें लोडेड मिल जाते हैं, बाकी आप इसके ऐप से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे वर्कआउट रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, हार्ट रेट देख सकते हैं, स्लीप मॉनिटर मॉनिटरिंग मिल जाते हैं आपको, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन और मैसेजेस, वेदर, फीमेल ट्रैकिंग भी मिल जाते हैं इसमें, तो ये फीमेल के लिए भी अच्छी वॉच साबित होगी। बाकी इसमें आप म्यूज़िक देख सकते हैं, ब्रीथ ट्रेनिंग देख सकते हैं, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म क्लॉक, फाइंड फोन, कैलकुलेटर, कैलेंडर एंड कैमरा कंट्रोल। और सेटिंग में चलते हैं, तो यहाँ पे आप मेन्यू स्टाइल, आप 4 देखिए मेन्यू स्टाइल जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है वो आप देख सकते हैं, तो मेन्यू स्टाइल 4 मिल जाती है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले की सेटिंग, वॉच फेस स्विच, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम, रेज टू वेक एंड एओडी क्लॉक। तो एओडी जो क्लॉक है इसमें आपको एक डिजिटल मिल जाता है, एक एनालॉग क्लॉक मिल जाता है, तो हम दोनों को एक बार चेक कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये देखिए, तो ये हमारा डिजिटल मिल जाता है और ब्राइटनेस इसकी काफ़ी अच्छी है। कई वॉचेस आते हैं जिनकी ब्राइटनेस अच्छी नहीं होती है एओडी में, तो मतलब ही नहीं निकलता अगर आप ब्राइटनेस नहीं है, आप देख ही नहीं सकते हो। तो उसमें से मुझे ये अच्छा लगा। और बाकी चलते हैं एक बार हम नेक्स्ट एओडी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये एओडी हमारा ऑप्शन है, ये एनालॉग क्लॉक, तो एनालॉग क्लॉक को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, और ये जो एओडी है ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी ये सेकंड की जो सुई है ये मूव करती हुई दिखती है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। तो इन माई ओपिनियन मतलब इसमें जो भी 3000 के अंदर जो वॉचेस आती हैं एओडी में सबसे अच्छी वॉच मुझे अभी तक यही लगी है, जितने भी मैंने अभी तक देखी है काफ़ी अच्छी लगी मुझे। प्रीमियम मतलब जो बिल्ड के साथ ये एओडी जल रहा है इसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, प्रीमियम लग रही है वॉच, ठीक है। चलते हैं अगले सेटिंग में, हम सेटिंग में थे तो आपको मैंने ये दिखाई दिया, डिस्प्ले में आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम, रेज टू वेकअप, एओडी। और ब्राइटनेस आपको इसकी 600 निट्स मिल जाती है, ठीक है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं ब्राइटनेस। यहाँ पे आप देखो कि बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है, करंट बैटरी परसेंटेज इसमें मिल जाती है, पावर सेविंग मोड मिल जाता है, ठीक है। वाइब्रेशन इंटेंसिटी मिल जाती है, आप ऑफ कर सकते हैं, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी लैंग्वेज मिल जाती है, तो लैंग्वेज में आपको मैंने स्टार्टिंग बता ही दिया, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये, ठीक है। और क्यूआर कोड, डाउन की सेटिंग, ये जो हमारी की है इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक एंड प्रेस, तो प्रेस करके रखेंगे और क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, नो फंक्शन, मेन्यू, रिटर्न, वर्कआउट, हार्ट रेट, डाटा, जो भी आपको सेट करना हो आप सेट कर सकते हैं। और प्रेस करके रखेंगे कुछ सेकंड तक, 1, 2, 3 सेकंड तक, तो उसके हिसाब से क्या ऑप्शन आए तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो उसमें भी ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइजेबल जो की है वो मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा इसमें, कि रोटेटिंग क्राउन भी मिल जाता है एंड एक्शन बटन भी मिल जाती है, तो प्रीमियमनेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं कि आप 3000 दे रहे हैं किसी एक वो स्मार्ट वॉच के लिए, तो कम से कम सारे फीचर्स लोडेड मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो डाउन की सेटिंग तक हमने देख लिया था, आप टाइम यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है, टाइम भी सेट कर सकते हो विदाउट मोबाइल से कनेक्ट किए हुए। देखते हैं और कुछ सेटिंग्स इसमें, तो हम कहाँ तक चले गए थे, सेट टाइम तक। और इसमें आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, तो पासवर्ड जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है आप कोई देख ना पाए, आप ही देखें, तो पासवर्ड डालकर आप नोटिफिकेशन मतलब हाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर से सेटिंग में,
ये देखिए पासवर्ड एंड सिस्टम, तो सिस्टम में सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है यहाँ से, फायरबोल्ट 1, 2, 3 जो भी है सारी चीज़ें, फर्मवेयर वर्जन वगैरह अपडेट करने के लिए भी इसके एप्लीकेशन से आप अपडेट कर सकते हैं, ऑप्शन आएगा उसमें तो, और सिस्टम में शट डाउन रिस्टार्ट एंड रिसेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये रही हमारी सेटिंग और मेन्यू की बात। बाकी जहाँ तक बात है इसकी कॉलिंग की, तो ये ब्लूटूथ 5.0 वर्जन के साथ आती है, तो सिंगल चिप के साथ मिलती है ये, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो सिंगल चिप के साथ आती है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। बाकी हम यहाँ पे डिस्प्ले में हम और भी कुछ बातें कर लेते हैं, तो आप जब ऊपर से स्वाइप करेंगे तो ये आपको मेन्यू स्टाइल मिल जाएगा। और यार मुझे ये मेन्यू स्टाइल ना कॉपी सा लग रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो ये पेबल की वॉच है, पेबल कॉस्मोस नोवा, तो आप देख सकते हो सेम मेन्यू स्टाइल डाल रखा है इन्होंने, सेम मेन्यू स्टाइल इसमें डाला हुआ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, तो वो भी है इसी से कॉपी है। और क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन है वो भी फायरबोल्ट की नहीं है, दूसरी एप्लीकेशन के साथ ही अटैच होती है, तो वो भी आप देख सकते हो। आप लेफ्ट से स्विच करोगे, स्वाइप करोगे, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन मिल जाएगी जो भी करंट एप्लीकेशन का है, और यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कॉलिंग में मैं बता दूँ कि कॉल ऑडियो और मीडिया ऑडियो आप सेपरेटली इसको स्विच कर सकते हैं, कि कॉल ऑडियो सिर्फ ऑन हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, मीडिया ऑडियो आपको वॉच में चाहिए तो वो भी आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। और राइट से स्वाइप करेंगे आप इसमें, तो आपको ट्रैकिंग के सारे वो चीज़ें मिल जाएंगी, हार्ट रेट और डाटा ट्रैक करने के लिए जो भी ऑप्शन है, स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, वेदर का मिल जाएगा, म्यूज़िक कंट्रोल आप कर सकते हैं यहाँ से, वॉ मतलब कनेक्ट करके वॉल्यूम वगैरह भी आप इजली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, तो डाटा हार्ट रेट ये तो हमारा ऐड है, बाकी जैसे वर्कआउट मोड हमको ऐड करना, तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए हमारे सारे ऐड हो गए हैं, तो यहाँ से आप ये भी सारी चीज़ें कर सकते हो। और हम फिर अब नीचे से आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर मैसेजेस का ऑप्शन आ जाता है, नोटिफिकेशन का, तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो भी है मैसेजेस वगैरह जो भी नोटिफिकेशन आएगी तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ इसमें आपको IP67 की रेटिंग भी मिल जाती है, बट एक ये 3000 की वॉच है तो एक कौन निकल के आता है इसमें, कि इसमें IP68 की रेटिंग मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि यार प्राइस तो आप 3000 दे रहे हैं, 2000 की जो वॉचेस आती हैं, 1500 की जो वॉचेस आती हैं, आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है, तो यार इसमें IP68 की रेटिंग देनी चाहिए थी। आप ये देखिए IP67 वाटर रेसिस्टेंट, अब तो IP68 की दे देते तो ये एक कंप्लीट वॉच बन जाती है, इसमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, वैसे भी फीचर रिच वॉच है, प्रीमियम बिल्ड है, और इसका जो सिलिकॉन स्ट्रैप है वो भी काफ़ी प्रीमियम है, और ये तीन कलर में आती है, एक पिंक, एक ये ब्लू सिल्वर और एक ब्लैक कलर में आती है, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इमेज दिख जाएगी। और ये जो सबसे अच्छा कलर मुझे लगा अभी तक का, वो सिल्वर और ब्लू एक्सेंट में ही मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो आपको पिंक मिलती है वो गोल्डन इसके डायल के साथ मिलती है, और जो ब्लैक मिलती है वो टोटल ब्लैक मिलती है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रैप है वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपको चेन लगानी है मतलब मेटल स्ट्रैप लेना है तो वो भी आप ऑनलाइन में जाकर देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको स्ट्रैप्स के कुछ लिंक दे दूंगा जो इससे कंपेटेबल हैं और काफ़ी अच्छे लगेंगे, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वॉच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बाय करिएगा ताकि चैनल की थोड़ा सा हेल्प भी हो जाए। तो गाइस आपको इसमें कनेक्ट करने के लिए फिट क्लाउड प्रो एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, तो मैंने इंस्टॉल करके रखा है पहले से, क्योंकि मैं पेबल की वॉच यूज़ कर रहा हूँ तो पहले से इंस्टॉल्ड है इसमें, और पेबल भी इसी से कंपेटेबल है इसी ऐप से, तो आप देख सकते हो इसमें न्यू एप्लीकेशन है ये फायरबोल्ट के लिए। तो हम इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो चलते हैं ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट फास्ट फॉरवर्ड में कनेक्ट करके एक बार आपको शो करता हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखोगे आप फायरबोल्ट 1, 2, 3 का ऑप्शन आ रहा है, आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेयर का ऑप्शन आएगा पॉपअप, और ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। आप ऑथराइज कर सकते हैं, सारी परमिशन आप दे सकते हैं इन यूज़ फॉर कॉल्स। अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन में, ओपन करते हैं फिट क्लाउड प्रो एप्लीकेशन को। ये देखिए ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, फायरबोल्ट 1, 2, 3 PBL कॉस्मोस नोवा, हम इससे कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट, एक मिनट। ये देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे एग्री करने के लिए, आप यहाँ से करेंगे जस्ट, ये आपसे आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट हो चुकी है। ये देखिए फायरबोल्ट 1, 2, 3 कि आप होम पे जाएंगे तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें
जो भी ट्रैकर है आप ट्रैक कर सकते हैं इसमें, स्टेप्स वगैरह, स्लीप, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन वगैरह आप वो देख सकते हैं। डिवाइस का ऑप्शन आएगा इसमें, आप डिवाइस के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच का ऑप्शन आ जाएगा, पुश नोटिफिकेशन आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, इनेबल ऑल रिमाइंडर्स, या फिर आप इंडिविजुअल मैनुअल मतलब जो भी करना है आपको वो कर सकते हैं, ठीक है। अलार्म सेट कर सकते हैं इसमें, एक्टिविटी रिमाइंडर यहाँ से आप देख सकते हैं, ड्रिंक रिमाइंडर, डायल लाइब्रेरी में हम देख लेते हैं कितने डायल मिल जाते हैं, तो ये डायल लोड हो चुके हैं हमारे, तो आप ये देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा वो वॉच फेसेस तो मिलते नहीं अभी क्योंकि न्यू एप्लीकेशन है शायद फायरबोल्ट के लिए, इसलिए शायद धीरे धीरे ये अपडेट कर दें तो इसमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाएं आपको। बाकी हम चलते हैं दूसरी सेटिंग्स में देख लेंगे, तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड जो मिल जाते हैं मैंने आपको बोला, ये देखिए, तो यहाँ से आप जैसे स्विम, तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि स्विम का ऑप्शन लोड हुआ कि नहीं, ये देखिए, तो स्विमिंग का ऑप्शन, आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स मोड कितने सारे हैं इसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड हैं आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट्स में आप 10 कॉन्टैक्ट्स, केवल 10 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं इसमें, तो ये मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा, 20 दे देते, 50 दे देते तो ज़्यादा सही लगता, 3000 के वॉच में ज़्यादा सही लगता। और रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग डिवाइस वर्जन, तो डिवाइस वर्जन में आप जाएंगे, ये देखिए, तो ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन, जब भी कोई अपडेट आता है इस वॉच के लिए तो यहाँ से आप जाकर चेक करेंगे, नोटिफिकेशन तो आपके पास आ ही जाएगा। इसमें जो रेज टू वेक फीचर मिलता है वो AOD के साथ काम करता है, और इसका जो रेज टू वेक फीचर है वो काफ़ी फास्ट है, आपको मैं यहाँ पर देखिए दिखा रहा हूँ, ये देखिए, तो AOD के साथ ये वर्क कर रहा है और काफ़ी फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। जैसे ही मैं रिस्ट ऐसे घुमाता हूँ तो ये ऑन हो जाता है डिस्प्ले, आप सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी, ठीक है, तो बहुत फास्ट है ये, रेस टू वेकअप में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको। और यार ये जो है वॉच का जो डायल है वो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि डिस्प्ले भी इसमें बड़ी है, और मेटल का बिल्ड है तो काफ़ी मतलब अच्छी है, और स्लीक मिल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको, ये देखिए, काफ़ी स्लीक है, कॉलिंग वॉच है फिर भी। बट इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अगर आपकी जो रिस्ट है वो काफ़ी मतलब पतली है, काफ़ी मतलब थिन है, तो आप ये वॉच मत लीजिए, क्यों, क्योंकि थिन वॉच में ज़्यादा सूट नहीं करेगी, डायल काफ़ी बड़ा है। हाँ, अगर मेरे जैसी रिस्ट है मीडियम और आपकी थिक रिस्ट है तो उसमें वॉच काफ़ी अच्छे से सूट करने वाली है, तो मेरा प्रेफर रहेगा आप ये ब्लू एंड सिल्वर एक्सेंट पे ही जाइए, काफ़ी अच्छी है बॉयज़ के लिए, और अगर गर्ल्स हैं आप तो डायरेक्ट इसके लिए भी जा सकती हैं और पिंक वाले के लिए भी जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। जो ब्लैक वाला है थोड़ा सा कॉमन सा दिखता है, तो आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम चेक कर लेते हैं इसके सेंसर को कि ये टेबल के ऊपर वर्क करता है कि नहीं करता, रियल मिलते कि नहीं मिलते, फेक हैं या फिर रियल हैं, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसके हेल्थ मॉनिटरिंग में, ये रही हमारी हार्ट रेट, इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो प्लीज़ वेयर वॉच प्रॉपरली, ये आपको पॉपअप आ जाता है, तो मतलब सेंसर रियल है, कोई भी ऐसा फेक नहीं है, जैसे ही आप रिस्ट में लगाएंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम चेक कर लेते हैं। रिस्ट में लगाते हुए आपका सेंसर वर्क करने लगा है और कुछ देर में आपका हार्ट रेट इसमें शो करने लग जाएगा, तो आप देख सकते हो 76 BPM शो कर रहा है ये, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये मतलब एक मेडिकल डिवाइस तो नहीं है, बट हाँ एक रेफरेंस के लिए आप इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं, एक कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं इसकी कि क्या लाउड स्पीकर रिंग टोन कैसे कैसे बजती है इसमें, तो ये देखिए, ये हमारा कॉलिंग का मेन्यू, और इसमें आप देखोगे तो आईफोन वाला रिंग टोन बजता है, ये देखिए डिफ़ॉल्ट आपको सुनाई दे रहा होगा, तो आईफोन वाला रिंगटोन बजता है। इसमें क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आ जाता है, क्विक रिप्लाई आप कर सकते हैं, यहाँ से म्यूट कर सकते हैं और कॉल पिक एंड कट कर सकते हैं, तो ये है हमारा UI वॉच का, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, पिक करते हैं कॉल। हेलो, हाँ हाँ, कैसी आ रही है मेरी वॉइस, क्योंकि मैं स्मार्ट वॉच से बात कर रहा हूँ अभी। तो सही है, लेकिन साथ में कुछ बैकग्राउंड में ना वाइब्रेशन की आवाज अभी भी आ रही है। अभी बंद है। अच्छा अभी अब आ रही है, अब आ रही है फिर से। अच्छा फिर से आ रही है अब। हाँ अब आ रही है कि नहीं? आ रही है। हेलो
कैसी आ रही है इसमें आवाज? इसमें सेम वैसे ही आ रही है आवाज ना, बैकग्राउंड में आ रही है इसमें। वाइब्रेशन वाली हाँ सेम जो पहले मैं सेम? बता रही थी ना। अच्छा, सेम वही वाइब्रेट हो रहा है मतलब। हाँ जो कि थोड़ा इरिटेट भी कर रहा है ज्यादा ना। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है ओके। तो अब बात कर लें इसके बैटरी की। तो यार बैटरी इसकी मतलब ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आपको 1.5 से 2 दिन की मिलती है, ठीक है। इजली मतलब 2 दिन की मिल जाएगी आपको। और अगर आप वो ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह फीचर्स ऑन नहीं करते हैं, नॉर्मल एक ट्रैकिंग और नॉर्मल एक वो एज अ वॉच, नॉर्मल वॉच यूज़ करते हैं, तो आपको ये मतलब 6 to 7 days, 5 days ऐसे बैटरी बैकअप ये दे देगी, ठीक है। बाकी अभी मैंने यूज़ तो किया नहीं है 1 week, बट स्टिल मतलब बैटरी बैकअप इसका डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। बाकी ये चार्ज हो जाती है करीबन 1.5 से 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है, मतलब 2 hours इसको लगते ही लगते हैं 0 to 100 चार्ज होने में, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। तो गाइज मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, अब आते हैं कंक्लूजन में। तो मैंने आपको वॉइस मतलब कॉलिंग भी सुनाई है कि कैसे क्या है, स्पीकर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हाँ थोड़ा सा लो है स्पीकर की मतलब जो वॉइस है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से वर्क कर जाता है। हाँ कॉलिंग का जो इशू आ रहा है मतलब एक कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, इरिटेट भी कर रही है वो, तो वो शायद मेरे ही यूनिट में हो, मैं नहीं जानता हूँ। अदरवाइज़ अगर आपने भी कोई वॉच ली है ये वाली, किसी ने ली है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कैसे क्या इशू आ रहा है उसमें, या फिर सही है सारी चीज़ें। बाकी अगर मैं हो सकेगा मैं इसको रिप्लेस कराऊंगा, अगर सेकंड यूनिट आता है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको पिन कमेंट कर दूंगा। बाकी ये वॉच 3000 के अंदर अगर 2999 में मिल रही है आपको तो आप ग्रैब कर सकते हो। आपके यूनिट में अगर दिक्कत नहीं जाती ब्लूटूथ कॉलिंग की, तो ये वॉच काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है 3000 के रेंज में। 1.96 इंचेस का मिल जाता है 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले, 600 निट्स की हाईएस्ट ब्राइटनेस मिल जाती है इसमें, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 मेनू स्टाइल मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है, और स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है। एक्शन बटन एंड आपको ये रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको 3000 में, अगर आपका 3000 मतलब बजट है और आपको कोई एक अच्छी वॉच लेनी है, तो आप इसको कंसिडर ज़रूर करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से एक बार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप नेक्स्ट कोई भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं ट्राई करूँगा 100% कि मैं उसका रिव्यू कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।